नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, इसमें इंग्लिश के भी डेली हम आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं और हिंदी के भी। तो हिंदी में हम जो प्रीवियस ईयर में संविदा शिक्षक वर्ग 1 और संविदा शिक्षक वर्ग 2 में जो हिंदी पूछी गई है उनके हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनसे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि पीईबी का पैटर्न कैसा है और किस प्रकार के क्वेश्चन पीईबी पूछता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास शेयर जरूर कर दें। ओके, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 9 फरवरी 2019 ये सुबह की शिफ्ट वाला ये वर्ग 1 का पेपर हुआ था जिसमें कि क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल का मूल्य नहीं आंका जा सकता, रेखांकित अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के प्रयोग वाला सही वाक्य चुनें। मतलब जो अंडरलाइन सेंटेंस है इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आंसर होगा भारत के राष्ट्रीय धरोहर ताजमहल अमूल्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है देखिएगा, आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। अर्थात हमें मुहावरों का भी अच्छे से अध्ययन कर लेना है ना। तो आँखों में धूल झोंकना इसका सही आंसर होता है धोखा देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेसुध का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं संज्ञाहीन, जरा, कतरी, और भी ऑप्शन है व्याघ। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर है संज्ञाहीन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रीड़ा क्षेत्र का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। मतलब हमें समास का भी अध्ययन करना है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, हार प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा होनहार, है ना। तो प्रत्यय और उपसर्ग से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तद्भव तत्सम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उदार का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। विलोम शब्द पर्यायवाची शब्दों को भी अच्छे से हमें पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर है अनुदार। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, वर्तनी, इनका भी हमें अच्छे से अध्ययन कर लेना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, और भी ऑप्शन दिए गए हैं इसके, यह वही लड़का है इसको पुलिस ने पकड़ा था, जिसको पुलिस ने पकड़ा था वह, यह वही लड़का है इसको पुलिस ने पकड़ा था, यह वही लड़का है। तो इसका जो आंसर होगा इसका आंसर होगा यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, काव्य पंक्ति के अनुसार अलंकार इसमें कौन सा है। तो इसमें मानवीकरण किया गया है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कानून व्यवस्था राज्य सरकार के में है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 है, हम डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं पीईबी द्वारा जो पूछे गए हैं उनकी, है ना। तो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन करें। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा समनुदेशन। ओके, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये हमारा जो वीडियो था इसमें हमने पीईबी के प्रीवियस पेपर का एनालिसिस किया है जिसमें किस प्रकार की हिंदी पूछी गई थी। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव्स के पास शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। दूसरी बात यह है कि हमने प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें कि इंग्लिश और हिंदी की अलग अलग प्लेलिस्ट है। एमपीएसआई एसएससी के लिए प्लेलिस्ट अलग है, क्लास 9th से 12th तक की ग्रामेटिकल पोर्शन वाला एक प्लेलिस्ट अलग है, है ना। तो आप वहाँ जाके अपने वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।